नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपको इस खूबसूरत से फूल गजनिया के बारे में बताऊंगी। आप देख रहे हैं कितना सुंदर फूल लग रहा है इसमें, और बहुत सारे लग रहे हैं। और ये सर्दियों का बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट है। बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर इसमें फ्लावर ज़रा कम लगते हैं, और फरवरी में अब बहुत धूप आने लग गई है, अच्छी धूप आती है तो फ्लावर्स भी अच्छे साइज़ के होते हैं और बहुत सारे लगते हैं। ये प्लांट अगर हम थोड़ी सी केयर करें तो मई तक भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है, बट फ्लावर का जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और ये प्लांट जो है कम पानी बर्दाश्त कर लेता है, पर कम पानी का मतलब ये नहीं है कि हम इसे सूखा रखें। अब ये जो फ्लावर्स हैं 3 4 दिन तक टिकते हैं, उसके बाद ये सूख जाते हैं। तो अब हमें इसकी ज़्यादा केयर करनी है, पानी का ध्यान देना है। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, पानी इसको इतना ऐसा देना है जब इसकी मिट्टी जो है सूख जाए। और जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें हमें हटा देना है। देखिए, ये जो सूखे हुए फूल हैं जब ये सूख जाते हैं तो इसमें बहुत ही सॉफ्ट से बीज तैयार हो जाते हैं, तो हमें भी बीज नहीं लेने हैं। फूलों को ऊपर से इस तरह से बिल्कुल ना तोड़ें। तो आप इसको हमेशा नीचे से, पूरी लंबी डंडी के साथ नीचे से इसे कट करें। नीचे से हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, तो हो सके तो हमें कटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखिए, जो ऊपर से फूल तोड़ने से क्या होता है कि ये डंडी भी प्लांट से एनर्जी लेती रहती है, खाना लेती रहती है। और नीचे से तोड़ने से हमारा जो प्लांट है न्यू न्यू ग्रोथ करता रहता है। तो हो सके तो कटर से इसे काट दीजिए। और दूसरा काम हमें ये करना है कि जितनी भी खराब पत्तियां हैं उन्हें भी हटा देना है। जितना आप इन सूखे हुए फूलों को हटाएंगे उतनी अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहेगी। सूखे हुए फूल और पत्तों को भी हटाना है, नहीं तो फंगस लग जाती है। और ज़्यादा टाइम तक प्लांट के ऊपर ये लगे रहते हैं तो कीड़े भी अटैक कर देते हैं। इसी के अंदर बनते हैं इसके सीड, जिसके ऊपर बारीक बारीक से रुएं लगे रहते हैं। अभी तो इसका सीड तैयार नहीं हुआ है। देखिए, पहले भी मैं इसके फूल तोड़ चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा और करीब से मैं ये दिखा देती हूँ, ये कलियाँ इसमें बन रही हैं। और साथ में हमें ध्यान रखना है कि जब इतनी सारी कलियाँ आती हैं, फ्लावरिंग होती है, तो हमारे प्लांट को ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा खाद देना भी इसको ज़रूरी है। जब आप प्लांट को नर्सरी से ला के रीपॉट करते हैं, तब एक अच्छा मिश्रण बनाएं वेल ड्रेन सॉइल का, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो उसके अंदर आप 2 भाग खाद डालिए, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत, और थोड़ा सा कंकड़ पत्थर अगर हो तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। बोन मील डाल दीजिए उसके अंदर 2 3 चम्मच, और 2 3 चम्मच डाल दीजिए नीम की खली। उस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर अपने प्लांट का जो गमला है उसमें भर दीजिए और अपना प्लांट लगा दीजिए। पानी का आपको ध्यान रखना है, ये प्लांट को थोड़ा 2 3 दिन बाद पानी दीजिए। आजकल धूप तेज़ निकलती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो 1 दिन छोड़ के आप इसमें पानी दीजिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए, ये है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें 1 भाग सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है और 3 भाग इसमें पानी है। और ये वाला पानी आप अच्छे से अपने प्लांट को दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, आपके पास जो कोई भी एक खाद हो, ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि गोबर का खाद, पत्ते की खाद, या घर में बनी हुई किचन वेस्ट से कंपोस्ट, आप रात भर एक मुट्ठी एक बाल्टी में, और अगले दिन वो वाला पानी अपने प्लांट को दे दीजिए। और इस प्लांट को फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, तभी इसके पत्ते भी ग्रीन रहते हैं। इसको आप फुल सनलाइट में रखें, और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएं
तो आप इसे ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसको सुबह और शाम की धूप मिले, बीच की तेज़ गर्मी ना मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्लांट को गर्मियों में भी बचा के रख सकते हैं, बल्कि इसको अगले सीज़न के लिए भी तैयार किया जा सकता है। जब इसमें से जब अगला सीज़न आए तब आप इसके अलग-अलग प्लांट्स निकाल लीजिए मिट्टी में से, और उसे आप उगा के बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। इसको दो ही तरह से लगाया जाता है, एक तो सीड के थ्रू और दूसरा इनके जो अंदर बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं उन्हें डिवाइड करके। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और ये फूल अभी खिला नहीं है, थोड़ी देर में ये फूल भी खिल जाएगा और फिर से इस पर बहार आ जाएगी। बहुत ही सुंदर दिखता है और इस पे पेस्ट अटैक कर देते हैं, खास तौर से इसमें एफिड्स आपको काले रंग के दिखाई देंगे, तो मलीबग भी इसमें कई बार दिख जाती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, अपने सभी प्लांट पे नीम ऑयल का पेस्टिसाइड बना के स्प्रे कर दीजिए, नहीं तो वाइट सिरका आता है उसका स्प्रे कर दीजिए। वाइट सिरका 1 चम्मच और 1 लीटर पानी के अंदर डालिए और उसमें आधा चम्मच डिश वॉशर डाल के अपने सभी प्लांट्स पे डाल दीजिए। और अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो उस लकड़ी की राख को भी आप अपने प्लांट पर बुरक देंगे, तब भी आपके प्लांट के ऊपर एफिड का अटैक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी की राख एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, एक फंजीसाइड है और एक पेस्टिसाइड भी है। तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल का पेस्टिसाइड बनाने के लिए आपको 1 चम्मच नीम ऑयल लेना है, आधा चम्मच डिश वॉशर लेना है और 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने सभी प्लांट को आप दे दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पे एफिड्स या मेलीबग नहीं लगी है तो हफ्ते में 1 बार कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।